परमाणु युद्ध, ये शब्द सुनने में जितना छोटा है, इसके परिणाम उतने ही भयानक हैं। एक नई रिसर्च में कहा गया है कि अगर अमेरिका और रूस के बीच फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर होती है तो दुनिया में कम से कम 5 अरब लोग मारे जाएंगे। ये दुनिया की आधी आबादी से भी ज़्यादा है। स्टडी कहती है कि ये सभी लोग बम से नहीं बल्कि भूख से मरेंगे। आप सोच रहे होंगे कि परमाणु बम का आखिर भूख से क्या लेना देना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परमाणु बम फटने से अकाल का खतरा हो जाएगा। दरअसल अनाज को पैदा करने में सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नई स्टडी कहती है कि अगर बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर बम फटते हैं तो इनसे भारी मात्रा में कालिख निकलेगी जो वायुमंडल में फैल जाएगी। वायुमंडल में फैली इस कालिख के कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं आ सकेगा। सूर्य का प्रकाश न होने से ठंड होगी और अनाज पैदा नहीं होगा। अमेरिका की रटगर्स यूनिवर्सिटी ने यह शोध किया है। इसमें दुनिया भर के 6 संभावित न्यूक्लियर संघर्षों को मैप किया गया है। अमेरिका और रूस का युद्ध तो मानवता का खात्मा कर ही सकता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान का युद्ध इसने कहीं पीछे नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच छोटे परमाणु युद्ध से 5 साल में दुनिया का 7% फसल उत्पादन गिरेगा। वहीं अमेरिका और रूस के युद्ध में ये 3 साल में 90% रहेगा। रिसर्च में उन इलाकों के बारे में भी बताया गया है जहां अकाल का प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, पनामा, पराग्वे आबादी के लिहाज से बड़े पैमाने पर फसल का उत्पादन करते हैं। अगर युद्ध से इनका उत्पादन कम भी हुआ तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी एशिया से आने वाले शरणार्थियों की। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।